नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर मासूम ने तय किया लखनऊ से हरदोई तक का सफर। आरपीएफ ने ऐसे बचाई जान। यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे एक मासूम बच्चा खेल खेल में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वह जैसे ही पहियों के बीच जाकर बैठा वैसे ही मालगाड़ी चल दी। बच्चा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी नीचे नहीं उतर पाया और मालगाड़ी के पहियों के बीच ही फंसा रहा। वह यहां से चलकर कई किलोमीटर दूर हरदोई तक जा पहुंची। उधर इस मामले की भनक लगते ही आरपीएफ ने बच्चे को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान किसी रेल कर्मी को बच्चा मालगाड़ी के पहियों के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। उसने आनन-फानन में इसकी सूचना आरपीएफ को दी, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के सिपाहियों ने मालगाड़ी को रुकवा कर बच्चे को पहियों से बाहर निकाला। उसे आरपीएफ हरदोई पोस्ट पर लाया गया। जब बच्चे को रेस्क्यू किया गया तब वह काफी डरा सहमा हुआ था। बच्चे ने मालगाड़ी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पूछताछ के दौरान बच्चे ने अपना नाम अजय और पिता का नाम पूरन बताया। वह लखनऊ के आलमबाग के राजा जी पुरम के बालाजी मंदिर के पास रहता है। बच्चे के मुताबिक उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई है, वहीं पिता भीख मांगकर गुजारा करता है। बच्चे ने बताया कि वह खेल खेल में मालगाड़ी के पहियों के बीच में जाकर बैठ गया और तभी ट्रेन चल दी। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर सुपुर्द कर दिया है। वहीं बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मालगाड़ी के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है। वहीं आरपीएफ के जवान उसे बाहर निकालते दिख रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।